नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी होटल में डेटा एंट्री का काम कैसे होता है और कितनी आसानी से हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिए, आपको पता लग जाएगा किसी भी होटल में डेटा एंट्री का काम कैसे होता है। पहले एक्सेल का एक और नया शीट ले लेते हैं। एक्सेल का नया शीट लेने के लिए आपको इस शीट वन के बाद शीट टू दिखाई देगा, अगर नहीं होगा तो इस तरीके से साइन दिखाई देगा। बस आप इस साइन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपका नया शीट तैयार हो जाएगा। मेरे पास शीट वन है, टू है, थ्री है, फोर है, चार शीट है, लेकिन शीट वन में कुछ डेटा है, इसमें मुझे कोई डेटा एंटर नहीं करना है। आपको सिखाने के लिए मैं शीट टू में जाऊंगा, इस शीट टू के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे सामने ब्लैंक वर्कशीट आ जाएगा, यहाँ पे मुझे डेटा एंट्री करना है। दोस्तों किसी भी होटल में दो टाइप के डेटा एंट्री होता है, एक होता है कस्टमर रिकॉर्ड और दूसरा होता है परचेज रिकॉर्ड। मैं दो टाइप के डेटा एंट्री करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कस्टमर रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। सबसे पहले टाइप करेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद नेम, उन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर। सीरियल नंबर को इसलिए एंटर करना है, कितने कस्टमर हमारे होटल में खाने के लिए आए हैं ये पता चलेगा। कस्टमर का नेम एंटर करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर हम इसलिए एंटर करेंगे ताकि बाद में हम उन लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकें। उसके बाद आइटम हो गया, रेट क्या था, क्वांटिटी क्या था और टोटल कितना था। सीरियल नंबर को एंटर करना बहुत आसान है, आप जहां भी सीरियल नंबर लिखा हुआ है उसके नीचे वाले सेल में क्लिक कीजिए और वन टाइप कीजिए। मान लीजिए आपके पास आज 10 लोग आए हैं खाने के लिए, 10 कस्टमर आए हैं, तो वन नीचे वाले सेल में टू थ्री फोर। और एक तरीका है, आप पहले वन टाइप कीजिए, वन टाइप करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है। ध्यान रखिएगा, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, इसको इस तरीके से ड्रैग कर देना है। जैसे ही ड्रैग कर देंगे आपका जो सीरियल नंबर अपने आप बढ़ता चला जाएगा, बार बार आपको एंटर करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप नेम एंटर करेंगे, नेम तो आपको एंटर करना ही होगा क्योंकि कौन कौन कस्टमर आए हैं उन लोगों का नेम पहले से एक्सेल में नहीं होता है, इसलिए आप एक एक करके नेम एंटर करेंगे। जैसे आज एक कस्टमर आया है, पहला कस्टमर है राम प्रसाद और दूसरा है श्यामलाल, रघुवीर, अनंत, नारायण। इस तरीके से मैंने नेम एंटर कर दिया 5 लोगों का, और भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप एंटर कर सकते हैं, जैसे मैं कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर देता हूँ। अब आपको इसी कॉन्टैक्ट नंबर को ट्रैक करना है क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है, सिर्फ मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉर्नर में आप कर्सर ले आइए और इसको इस तरीके से ट्रैक कर दीजिए। ऑटोफिल ऑप्शन वाला जो बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फील सीरीज कर दीजिए। लास्ट में नंबर अपने आप चेंज हो जाएगा। सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया। अगर आप किसी होटल में रियल में काम कर रहे हैं इस तरीके से, तो आप ओरिजिनल कॉन्टैक्ट नंबर ही ऐड करेंगे। आइटम आप डालेंगे जैसे भेज मील, और उन्होंने कुल 5 प्लेट खाए हैं, टोटल 5 प्लेट खाए हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टोटल में आएंगे और इक्वल लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर एक प्लेट 120 का है तो 5 प्लेट कितना होगा, टोटल वाला सेल में रेट के साथ क्वांटिटी को गुणा करना होगा, इसीलिए आप इक्वल लगाएंगे। और ये जो 120 वाला जो सेल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। इसके लिए जो अपने कीबोर्ड में न्यूमेरिकल कीज के स्टार वाला बटन है उसको प्रेस कीजिए, ये स्टार आ जाएगा। और ये जो क्वांटिटी वाला सेल है इसको सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, टोटल आ जाएगा। 120 एक प्लेट है, 5 प्लेट 600 रुपये का है। और जो श्यामलाल है उन्होंने नॉनवेज खाया है, नॉनवेज मील खाया है, और 150 का इन्होंने कुल 3 प्लेट खाए हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा। फिर से आपको क्वांटिटी के साथ रेट को गुणा करना है, इससे अच्छा है पहले आपने गुणा करके रखा है इसको ही ट्रैक कर दीजिए। पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉर्नर में आपका कर्सर ले आइए और इसको इस तरीके से ट्रैक कर दीजिए। इस तरीके से आप बहुत सारे लोगों के लिए मील बना सकते हैं। मैं फटाफट कर देता हूँ। ये करने के बाद आपको ये जो सेल के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि क्वांटिटी और रेट को गुणा करके हम यहाँ पे टोटल निकाल चुके हैं। इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको इस तरीके से ट्रैक कर दीजिए। बार बार फॉर्मूला आपको टाइप करना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। बस 5 लोग आज खाए हैं और टोटल कितने पैसे अर्निंग हुआ है इसको निकालने के लिए ये 2 सेल को सिलेक्ट करेंगे या फिर इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, टाइप करेंगे टोटल, और इस सेल में आपको क्लिक करना है, इक्वल लगाना है और सम टाइप करना है। ध्यान रखिएगा SUM सम को टाइप करना है, शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और ये जो क्वांटिटी वाला जो रेंज है इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करना है। ध्यान रखिएगा सम टाइप कीजिएगा, पहले ये जो सेल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, शिफ्ट प्रेस करते हुए लास्ट वाले सेल के ऊपर क्लिक करके F2:F6 आ गया है, ब्रैकेट को क्लोज करके आप एंटर लगाएंगे तो आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। देखिए ये हो गया 3,810 का आज टोटल 20 प्लेट सेल हुआ है और 3,810 अर्न हुआ है। इसमें से एक्सपेंसेस चला जाएगा, एक्सपेंसेस को निकालने के लिए ये 2 सेल को सिलेक्ट कीजिए, मार्जिन सेंटर कीजिए और टाइप कीजिए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को टाइप करेंगे और नीचे सेल को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इसको भी मर्ज करेंगे और टाइप करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को टाइप करेंगे,
ये क्या हो गया, ये एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट क्या है। टोटल आज 3,810 रुपया अर्न हुआ है, इसमें से खर्चा कितना क्या है आपने ये यहाँ पे डालेंगे। और ये टोटल से आज जितने पैसे अर्न हुआ है 3,810 रुपये से, ये एक्सपेंसेस को घटा देंगे, नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, इतने पैसे आपका प्रॉफिट हुआ है। इसको आप इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए और इसको ऑल बॉर्डर कर दीजिए, इस तरीके से इसको भी सिलेक्ट करके आप क्लियर में जाके क्लियर ऑल कर सकते हैं। देखिए ये टोटल आ चुका है। नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए नेट प्रॉफिट सेल के ऊपर क्लिक कीजिए, इक्वल लगाइए, ये जो टोटल वाला सेल है 3810 वाला जो सेल है, इस सेल के ऊपर क्लिक कीजिए, माइनस का साइन लगाइए, और ये जो ब्लैंक वाला सेल मतलब एक्सपेंसेस वाला सेल, इसको सिलेक्ट कीजिए। एक्सपेंसेस वाला ये नहीं है, इसके साइड में जो ब्लैंक वाला सेल है इसको सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। टोटल आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं हुआ, प्रॉफिट 3,810 रुपया हो गया है। और एक टेबल बनाएंगे जो है परचेज का टेबल, टाइप करेंगे डेट, टाइप करेंगे आइटम, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद रेट और टोटल, इसको टाइप करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे, जो चाहे आप फॉर्मेट लगा सकते हैं, मैं कुछ भी फॉर्मेट लगा सकता हूं। इस तरीके से आप डेट एंट्री करेंगे, ये सब डाल दिए, डेट डालेंगे, डेट डालने के लिए इक्वल लगाना है और टाइप करना है TODAY, ध्यान रखिएगा TODAY, टुडे वाला जो फंक्शन को यूज़ करना है। शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए, क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। आज का डेट आ गया, मान लीजिए आज ही हम कुछ आइटम खरीदे हैं, जैसे हम पटाटो, टमाटो, ऑनियन और भी कई सारे आइटम खरीदे हैं। जो जो आइटम आपने खरीदे हैं आज, वो सारे आइटम को डालेंगे, कितने क्वांटिटी में आप खरीदे हैं। जैसे आप 25 केजी खरीदे हैं पटाटो, 25 केजी टमाटो, 10 केजी और ऑनियन 8 केजी, ये खरीदे हैं। इसको सिलेक्ट करके आप देखिए, ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी को सिलेक्ट कीजिए। एक क्वांटिटी का यूनिट क्या है, पटाटो टमाटो अनियन, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट केजी है। आप किसी भी दुकान पर जाएंगे तो आप बोलेंगे भैया मुझे 25 केजी आलू चाहिए, 10 केजी टमाटर चाहिए, 8 केजी ऑनियन चाहिए। आप ये तो नहीं कहेंगे ना मुझे 25 लीटर आलू चाहिए, ये तो नहीं कहेंगे ना। इसके लिए यूनिट फिक्स करना बहुत जरूरी है। यूनिट फिक्स करने के लिए आपको ये सारी जो क्वांटिटी है इसको सिलेक्ट करना है हेडिंग को छोड़ के, और अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करना है। 1 मतलब जो राइट साइड में न्यूमेरिकल कीज में जो 1 होता है वो नहीं है, लेफ्ट साइड में जो सिंबल वाला 1, 2, 3, 4 है ऊपर वाला, जो उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, एट द रेट साइन होता है, हैशटैग साइन होता है, उसमें से आप कंट्रोल प्रेस करके वही 1 वाला बटन को प्रेस कीजिए। इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, कस्टम में आना है और यहाँ पे ये जो जनरल को हटा के 0 टाइप करना है, उसके बाद एक स्पेस लगाना है, शिफ्ट प्रेस करके एक डबल कोट लगाना है, टाइप करना है केजी, मतलब ये जितने भी सारे आइटम है आपने केजी में खरीदा है। मान लीजिए आपने ऑयल खरीदा है तो ऑयल को तो आप केजी में नहीं खरीदेंगे ना, उसके लिए लीटर टाइप करेंगे। मैं ओके कर दूंगा क्योंकि जितने भी सारे आइटम है सारे आइटम का यूनिट एक ही है। रेट डालेंगे, जैसे पटाटो आपको 20 रुपया करके पड़ा है, 20 रुपया, टमाटो आपको 40 रुपया और ऑनियन आपको 30 रुपया करके रेट आया है। ये रेट वाले जो सेल को सिलेक्ट कीजिए, आपको जाना है ये जो कॉमा में, कॉमा देखिए, कॉमा फॉर्मेट, कॉमा स्टाइल, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसको भी सिलेक्ट करेंगे, रेट को कॉमा स्टाइल लगाएंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और कॉमा स्टाइल लगाएंगे, इसको भी सिलेक्ट करके आप कॉमा स्टाइल लगाएंगे तो ये रुपीज़ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये टोटल निकालने के लिए इक्वल लगाना है, ध्यान रखिएगा इक्वल लगाइए। अगर 1 केजी 20 रुपया है तो 25 केजी कितने रुपया आएगा, इसके लिए इक्वल लगाना है। ये 25 केजी वाला सेल मल्टीप्लाई करना है ये 20 वाला सेल, एंटर प्रेस कीजिए, 500 आ जाएगा। मतलब 1 केजी अगर 20 रुपया है तो 25 केजी को 500 रुपया आ जाएगा। इसको आप सिलेक्ट करके इस तरीके से सेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा। टोटल निकालने के लिए आपको TOTAL टोटल टाइप करना है और यहाँ पे इक्वल लगाना है और SUM टाइप करके ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, वही फॉर्मूला। आप ये तीनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, हो सकता है आपके पास ये तीनों आइटम आप नहीं खरीदे हैं, आप बहुत सारे आइटम खरीदे हैं। जितने भी आइटम खरीदेंगे सारे आइटम का लिस्ट आप यहाँ पे बनाएंगे, क्वांटिटी लगाएंगे, रेट लगाएंगे और इस तरीके से टोटल लगा के सम लगाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। देखिए 1,140 रुपये का आज खर्चा आया है, इतने पैसे खर्चा आया है। तो क्या करेंगे, ये एक्सपेंसेस वाले जो सेल में ये वैल्यू को एंटर करना है। इसके लिए आप एक्सपेंसेस सेल में क्लिक करेंगे, ये एक्सपेंसेस वाला जो ब्लैंक सेल में क्लिक करेंगे, इक्वल लगाएंगे और ये जो टोटल वाला जो सेल है 1,140 रुपये का, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो टोटल 3,810 रुपया आपका टोटल आया था, इतने अर्न हुआ था आज, इसमें से खर्चा चला गया 1,140 रुपया और आपका जो प्रॉफिट है वो 2,670 रुपया का है।
इस तरीके से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। देखिए होटल का ये सिंपल डेटा एंट्री है। होटल में डेटा एंट्री करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला एंड फंक्शन होते हैं। अगर आप उस सारे फॉर्मूला फंक्शन को सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एक्सेल में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, स्मार्ट बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।